ये जैसे इसको डे कास्टिंग बोलते हैं। अच्छा, ये कास्टिंग प्रोडक्ट है, इसमें कास्टिंग निकलता है और यहाँ से निकलने के बाद इसको थ्रेड वगैरह होता है और पॉलिशिंग वगैरह होता है, फिर फिनिशिंग में जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर के लिए हमारे पास ये सिस्टम बना हुआ है कि हमारे पास कास्टिंग भी रेडी स्टॉक में रहता है। अगर हमारे पास कास्टिंग खत्म हो गया तो हम लोग सेम डे कोई अर्जेंट है तो वो निकाल सकते हैं कास्टिंग। यहाँ पे थ्रेड होता है, होल होता है और जो ज्यादा पार्ट होता है उसको फिनिशिंग होता है। अच्छा, ठीक है, ये देखिए पूरा हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर खुद की इन हाउस पूरी मैन्युफैक्चरिंग है। जी जी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी है, इंडिया से बाहर भी हमारा बिजनेस चलता है, एक्सपोर्ट भी अपना होता है। अच्छा, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, दुबई हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये सब जगह पे ऑलरेडी अभी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली छोटे से छोटा डीलर जो होता है महीने का 50,000 से लेके रिटेलर महीने का 3-4 लाख तक कमा सकता है। अच्छा, और 10 लाख भी कमा सकता है, उसका कितना बड़ा बिजनेस स्केलअप करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और होलसेल का कोई बिजनेस चालू करता है तो महीने का मिनिमम 3-4 लाख से चालू करके 20 लाख रुपए तक कमा सकता है। बहुत बढ़िया, प्लेटिंग हो रहा है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे निकल प्लेटिंग, सर्टन प्लेटिंग जी और क्रोम प्लेटिंग हो रहा है। अच्छा, ये देखिए तो यहाँ से मतलब पूरा फिनिश होकर निकलता है। तो दोस्तों स्वागत है सभी का बिजनेस आइडिया के एक और धमाकेदार एपिसोड में, और आज की बिजनेस आइडिया की तलाश में मैं आज आ गया हूँ दिल्ली से सीधा राजकोट गोल्डन व्हाइट इंडस्ट्री में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और क्वालिटी बहुत ही बेस्ट और एक मैन्युफैक्चरिंग रेटों पर सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी डाई है, इन डाइयों से सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं, आपको दिख रही होंगी। रॉ मेटेरियल की बात करो तो इस तरीके का रॉ मेटेरियल हो जाएगा। देखिए क्वालिटी किस तरीके की होने वाली है, ये देखिए ये क्वालिटी रहेगी पूरी। अगर मैं बात करूँ रॉ मेटेरियल इस तरीके का, देखिए पूरा रॉ मेटेरियल रहता है, और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर बात करूँ इस बिजनेस की, तो ये बिजनेस इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी चलता है, पूरे 365 दिन डिमांड में रहता है। अगर मैं बात करूँ ये प्रोडक्ट यूज क्या होता है, आपका चाहे घर हो, फ्लैट हो, कोठी हो, हॉस्पिटल हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, हर जगह ये प्रोडक्ट यूज होने वाला है। अगर मैं बात करूँ ये मशीन है, ये पूरी इसमें पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, ये देख सकते हैं ये पूरा इस तरीके से तैयार होता है, अभी इसकी फिनिशिंग होना पूरा बाकी है। तो मिलाऊंगा यहाँ के ओनर से, वो आपको बताएंगे कब से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके, कितने डीलर हैं, कितने कस्टमर हैं जो आज महीने के 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है महीने के 5-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आप भी कमा सकते हैं अपने गांव में रह के, अपनी सिटी में रह के, अपने कस्बे में रह के, घर से ही अगर आप शॉप खोलना चाहते हैं, बड़ा वेयर हाउस खोलना चाहते हैं, तो पूरी वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो अच्छी लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी बुलाते हैं यहाँ के ओनर को, जो कि मिस्टर उपुल होने वाले, वो आपको बताएंगे किस तरीके से वो व्यापार कर रहे हैं, अपनी कंपनी को कब से एस्टैब्लिश किया हुआ और कितने लोगों के साथ में जुड़ के व्यापार कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस बिजनेस को करना, इस बिजनेस से प्रॉफिट लेना और अपना स्टोर खोलना चाहते हैं, मैं आपको हमेशा की तरह यही सजेस्ट करूंगा, धंधा कोई छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, किसी का बड़ा नौकर बनने से बेटर है खुद का एक छोटा मालिक बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बिजनेस आइडिया की जानकारी देने के लिए यहाँ के ओनर मिस्टर विपुल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत जी, आपने मेरे को बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले बात करेंगे, हमारी जो कंपनी है गोल्डन व्हाइट इंडस्ट्री, कब से रनिंग में? एक्चुअली हम लोग 2011 से इस बिजनेस में है। अच्छा, और हमने छोटे लेवल से चालू किया था। अच्छा, और एक छोटे से इतनी जगह से चालू किया था, आज हमारी 13,000 स्क्वायर फुट में फैक्ट्री है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। तो सर आज पहली बार आप हमारे यूट्यूब पे, आई थिंक ऑनलाइन आप पहली बार आए, तो क्या पर्पज है ऑनलाइन आने का, और कितने डिस्ट्रीब्यूटर अभी तक हमारे हैं, डीलर हैं, कस्टमर हैं जो हमारा प्रोडक्ट है किस तरीके का इंडिया में ट्रेंड कर रहा है? एक्चुअली हम लोग मेन आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट बनाते हैं जी, प्रीमियम क्वालिटी में हम लोग बिलीव करते हैं जी, और ऑल ओवर इंडिया में हमारे लगभग सभी स्टेट में, साउथ, नॉर्थ इंडिया, मिडल ईस्ट, मिडल में जैसे वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान हो गया, साउथ में सभी स्टेट में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है जी, जी. कुछ पार्ट में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, जो हम लोग सोच रहे हैं कि उसके साथ हम लोग जुड़े, और हम लोग मेन चीज हमारी जानी जाती है हमारी क्वालिटी और सर्विस की वजह से हम लोग जाने जाते हैं। अच्छा, हम लोग क्वालिटी और सर्विस में बिलीव करते हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है अभी कि हम लोग जो ऑर्डर आता है सेम डे हमारा डिस्पैच होता है। अच्छा, 80-90% माल हमारा डिस्पैच हो जाता है, और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर से उसका फीडबैक अभी यही है कि क्वालिटी में जो है हम लोग अभी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और पहले से जो हम लोग स्टार्टिंग किया था उससे अभी तक हमारी 80-90% क्वालिटी हमने इम्प्रूव करने का कोशिश किया, और डे बाई डे हम लोग क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। बहुत बढ़िया, तो आपके लिए भी
यहाँ पर सुनहरा मौका है। अगर बात करें इस तरीके का देख सकते हैं, अभी ये मतलब आधा माल तैयार हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं। अभी ये सर हमारी मशीन है, ठीक है, और ये मशीन एक घंटे में हमारा कितना प्रोडक्शन करती है, अगर कोई ऑर्डर देता है पूरा शोरूम खोलना है, वेयर हाउस खोलना है, तो सेम डे माल डिस्पैच हो जाता है? यस, एक्चुअली हमारे पास स्टॉक भी इतना रहता है, मेरे पास ये जैसे इसको डाई कास्टिंग बोलते हैं, अच्छा, ये कास्टिंग प्रोडक्ट है, इसमें कास्टिंग निकलता है और यहाँ से निकलने के बाद इसको थ्रेड वगैरह होता है और पॉलिशिंग वगैरह होता है, फिर फिनिशिंग में जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए हमारे पास ये सिस्टम बना हुआ है कि हमारे पास कास्टिंग भी रेडी स्टॉक में रहता है, अगर हमारे पास कास्टिंग खत्म हो गया तो हम लोग सेम डे कोई अर्जेंट है तो वो निकाल सकते हैं कास्टिंग। थोड़ा सा मैं आपको मशीन चला कर दिखाता हूँ, तो सर पहले थोड़ा सा डेमो देखते मशीन का, उसके बाद दिखाते हैं कुछ सैंपल्स वगैरह। अभी लाइव मशीन चल रही है, थोड़ी सी आवाज आ रही है, इसमें थोड़ा मैं आपको बंद करा देता हूँ, तो ये बंद कर दो। तो अभी मैंने आपको लाइव डेमो दिखाया था किस तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इस तरीके का देखते पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अभी मैं बात करूँ तो सर, जो हमारा भार वाला पार्ट है, ये हमारा कौन सा सेशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है? इसको हम लोग टर्निंग बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे थ्रेड होता है, होल होता है, और जो ज्यादा पार्ट होता है उसको फिनिशिंग होता है। अच्छा, ठीक है, ये देखिए पूरा हो रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर खुद की इन हाउस पूरी मैन्युफैक्चरिंग है। जी जी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी है, इंडिया से बाहर भी हमारा बिजनेस चलता है, एक्सपोर्ट भी अपना होता है। अच्छा, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, दुबई हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये सब जगह पे ऑलरेडी अभी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो देख सकते हैं सारा कुछ इन हाउस हो रहा है। अच्छा सर, बात करें अगर कोई इसे स्टार्टअप करना चाहे, अपनी शॉप खोलना चाहे या बड़े स्केल पर काम करना चाहे, तो मंथली कितने कमा सकता है? एक्चुअली छोटे से छोटा डीलर जो होता है महीने का 50,000 से लेके रिटेलर महीने का 3-4 लाख तक कमा सकता है। अच्छा, और 10 लाख भी कमा सकता है, उसका कितना बड़ा बिजनेस स्केल अप करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और होलसेल का कोई बिजनेस चालू करता है तो महीने का मिनिमम 3-4 लाख से चालू करके 20 लाख रुपए तक कमा सकता है। बहुत बढ़िया, तो आप चलते सीधा सैंपल्स की तरफ, मैं कुछ क्वालिटी और कुछ सैंपल्स वगैरह दिखाते हूँ, और आज का जो प्रोडक्ट होने वाला है हम क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम लोग प्रोडक्ट में अंदर जिंक, हमारा 2 से 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है 3 मटेरियल में, जैसे जिंक का एंगल होता है, एल्यूमिनियम का होता है, और दूसरा हमारा ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसमें हम लोग स्टील का हैंडल्स बनाते हैं, और बाकी हैंडल्स के अंदर अगर जिंक के अंदर मैं बताऊँ तो आपको कैबिनेट हैंडल्स, मेन डोर हैंडल्स, नॉब, छड़ी और कंसील और मोर्टाइज हैंडल, मोर्टाइज के अंदर भी रोज एंड फ्लैट हैंडल बनता है। और उसके सिवाय एसएस के अंदर हमारा कैबिनेट हैंडल, मेन डोर हैंडल, बोर्डसाइज हैंडल और सोफा लेग, शॉर्टन ब्रैकेट, ये सब चीज बनता है। ठीक है, तो अब चलते सीधा सैंपल्स की तरफ। हाँ, तो सैंपल दिखाने से पहले अभी हमें एक दूसरे सेक्शन में, तो सर यहाँ पर हमारे क्या प्रोसेस हो रहा है अभी? प्लेटिंग हो रहा है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे निकल प्लेटिंग, शॉर्टन प्लेटिंग जी, और क्रोम प्लेटिंग हो रहा है। अच्छा, ये देखिए, तो यहाँ से मतलब पूरा फिनिश होकर निकलता है, ये कलर वाला पार्ट जो बाजू में। अच्छा, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं, अभी रेडी हो गया है, इसमें भी अभी कुछ कमी है, ये बफ पॉलिशिंग किया हुआ पीस है। अच्छा, और इसमें ये लगा हुआ है, यहाँ से ये प्लेटिंग होगा। अच्छा, ये जिंक में लगेगा, फिर वो जैसे वो डिप कर रहा है वहाँ पे वो निकल प्लेटिंग हो रहा है, उसके बाद वो क्रोम में जाएगा और उसके बाद शॉर्टन में जाएगा। बहुत बढ़िया, तो दोस्तों अभी देख सकते हैं मैंने इनका आपको पूरा वर्कराउंड दिखाया, ठीक है, इनका जहाँ जहाँ प्रोसेस था, तो प्रोसेस बनने के बाद जो क्वालिटी आती है गोल्डन वाइट इंडस्ट्री की, इस तरीके से आती है, और वी बिलीव इन क्वालिटी। तो सर सबसे पहले बात करेंगे क्या क्या चीज अभी हमें दिखाने वाले और किस तरह की क्वालिटी रहेगी। जैसे कि स्टार्टिंग से हमारा बेसिक जो प्रोडक्ट था वो ये कैबिनेट हैंडल्स है जी, इसमें आप क्वालिटी देख सकते हैं हम लोग किस टाइप का क्वालिटी मेंटेन करते हैं। बहुत बढ़िया, हम लोग जमक के बाद जो सेमी वर्जिन मटेरियल आता है जी, वो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, ये सब फिनिशिंग हमारा पूरा इन हाउस है। अच्छा, जैसे कैबिनेट हैंडल्स है तो इसके अंदर बहुत सारी साइजेस आती है, रिटेलर को मालूम ही रहता है। बहुत बढ़िया, इसके बाद ये मेन मोर्टाइज हैंडल है जिसमें हमारे पास वाइड रेंज है जी, जैसे मोर्टाइज हैंडल के अंदर रोज हैंडल, फ्लैट हैंडल, फिर पीवीडी तक का फिनिशिंग हम लोग मेंटेन करते हैं। बहुत बढ़िया, और कैबिनेट हैंडल के अंदर हम लोग 3 से 4 फिनिशिंग में हम लोग स्टॉक मेंटेन करते हैं। अच्छा, मोर्टाइज के अंदर भी हम
लोग तीन चार फिनिशिंग तीन चार कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग स्टॉक मेंटेन करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मेन डोर हैंडल है, उसमें बहुत सारी रेंजेस है। उसके बाद जैसे कैबिनेट हैंडल और मेन डोर हैंडल और कंसील, ये कंसील हैंडल है। अच्छा, जैसे आप ये देखोगे ये कंसील हैंडल है, तो इसी मॉडल का मैं अगर बात करूँ तो इसके इसका हमारे पास पूरा फैमिली है। जैसे इसका ये कंसील हो गया, ये इसका मोर्टाइज है, ये इसका नॉब है, ये इसका नॉब है, और इसका ये कैबिनेट हैंडल है। अच्छा, ये हाँ, ये इसका कैबिनेट हैंडल है, ठीक है, और वो सामने इसका मेन डोर हैंडल है, ये वाला। हाँ, ये इसका मेन डोर हैंडल है। अच्छा, ऐसे मॉडल्स हमारे पास बहुत सारे हैं जिसमें हमारे पास पूरी फैमिली है। अच्छा, और हर महीने हम लोग 1-2-3 नए नए मॉडल्स इनोवेशन हम लोग करते रहते हैं। अच्छा, जैसे अभी आज की डेट में मेरे पास 10 नए कैबिनेट मॉडल्स आ रहे हैं, नॉब में मेरे पास 8 मॉडल्स आ रहे हैं। जैसे दिसंबर में हमारा एग्जीबिशन आने वाला है, तो एग्जीबिशन के लिए अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग नया डेवलपिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, बात करें पढ़ते बात, अगर कोई स्टार्टअप को करना चाहे इन्वेस्टमेंट की, डीलर और एक रिटेलर जो शॉप खोलना चाहता है जी, और कितना मार्जिन रख के वो मार्केटिंग कर सकता है? जैसे कि होलसेलर कोई चालू करना चाहता है, तो होलसेल के लिए उसको पहले तो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, उसकी मतलब नॉलेज और उसकी कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। जी जी, आपको बेचना आना चाहिए, खरीदना आपको खुद आ जाएगा। हाँ, अच्छा सर, बात करें डिलीवरी की, तो अभी डिलीवरी कितने दिन में हो जाए? लाइक कोई बाहर स्टेट से अभी ऑर्डर देता है, और पेमेंट मोड किस तरीके से रहते हैं हमारे? जी, डिलीवरी के लिए देखे तो सपोज अभी मेरे पास ऑर्डर आया, अभी मैं मोबाइल में आपको दिखा सकता हूँ, एवरीडे हमारे पास ऑर्डर आता रहता है। सपोज दोपहर को ऑर्डर आया तो 2 घंटे में डिस्पैच हो जाता है। 80% माल मेरा, जैसे आपने स्टॉक देखा, पूरा मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर कोई स्टॉक नहीं है तो दूसरे दिन रेडी हो जाता है और डिस्पैच हो जाता है। अच्छा, सपोज यहाँ से मैं अपना चेन्नई का डिस्ट्रीब्यूटर का बात करूँ, तो मेरा यहाँ से सुबह ऑर्डर आता है और दूसरे दिन सुबह वहाँ पे उसको माल मिल जाता है। अच्छा, भाई कुरियर हम लोग डिस्पैच करते हैं, और आज सुबह ऑर्डर आया, कल सुबह उसके हाथ में प्रोडक्ट होता है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमने गोल्डन व्हाइट इंडस्ट्री से दी थी, तो सर और कुछ कहना चाहते हैं आप? जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना? जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग हार्डवेयर इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी है और वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके साथ आप कॉन्टेक्ट करके हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। जो एरिया में ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है और कोई राजकोट से डायरेक्ट नहीं लेना चाहता, तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टेक्ट शेयर किया जाएगा। जी जी, आप हमारी क्वालिटी देख के आपका माल सामने से बिकेगा, आपको बेचना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा, हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊं तो आप ये डिस्प्ले देख सकते हो, हम लोग जो भी हमारा रिटेल कस्टमर जुड़ता है जी, उसको हम लोग ये डिस्प्ले पैनल पूरा फ्री में देते हैं। अच्छा, और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उसको हम लोग एक एक डिस्प्ले डिस्ट्रीब्यूटर के लिए देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर का जितना भी काउंटर होता है उसको हम लोग, सपोज उसके 50 डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स है, तो 50-50 डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स को हम लोग ये डिस्प्ले पैनल फ्री में देते हैं। बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं कंपनी फुल सपोर्ट करती है। एक मैन्युफैक्चरर से खरीदने में आपको क्या बेनिफिट्स है? एक तो आपको मार्केट के बारे में बताएगी किस तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट है ट्रेंड कर रहा है, फुल सपोर्ट करेगी, सर्विसेज वगैरह भी देगी, तो आपको जो बेनिफिट्स है ना मैन्युफैक्चरर से जुड़ने में, तो रेट, क्वालिटी, सर्विस। तो अगर आप आना चाहते हैं विजिट करने के लिए राजकोट, पर्सनली सर से मिलना चाहते हैं, तो हमारा एड्रेस कहाँ हो जाएगा सर? एक्चुअली अपना जो फैक्ट्री ये है, ये सिचुएटेड है हमारा केपी इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि केपी इंडस्ट्रियल एरिया नया है, कोठारिया बाईपास रिंग रोड इसको बोलते हैं, हाजी डैम चौकड़ी से कोठारिया चौकड़ी जाते हैं, गोंडल चौकड़ी तो बीच में पड़ता है, स्ट्रीट नंबर 1 है ये, और राजकोट के अंदर ही है। बाकी आप आ सकते हैं, आज की वीडियो में गोल्ड व्हाइट इंडस्ट्री से दी थी, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, तो आप बात कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर एक कॉलिंग टीम है जो आपको पूरा सपोर्ट करेगी, आपको आपको पूरा समझाएगी किस तरीके से व्यापार करना, शॉप खोलना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलरशिप लेना चाहते हैं, सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। और आपको पता है इनकी डिमांड हर जगह होती है, घर बनता, फ्लैट, कोठी वगैरह, हर जगह इनकी डिमांड होती है, तो ये कभी खत्म होने वाला बिजनेस नहीं है, इसकी नीड हमेशा रहेगी, और प्रॉफिट आपको सब चीजें बताएगी। उसके बाद भी कोई भी सवाल रह गया तो डिस्क्रिप्शन खाली है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, पता कर सकते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पर क्वेरी ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टिल लास्ट टाइम बाय, बोल दो बाय।